आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को किस दिन अपने बाल जरूर धोने चाहिए ताकि आपके पति को हर कार्य में सफलता मिले। साथ ही हम बताएंगे कि किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए और साथ ही साथ अगर किसी खास त्योहार पर या शुभ मुहूर्त पर अगर महिलाएं बाल नहीं धो पाती है तो क्या एक उपाय वो कर सकती है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी सर्वोपरि है, उसी तरह शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और वैभव लाने वाली माना जाता है। अगर घर की लक्ष्मी धर्म अनुसार आचरण करे तो घर को मंदिर बना देती है। इसी तरह सुहागन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति, घर, संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको सुहागन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिनसे सुहागन महिलाएं जान सकती हैं कि कौन सा वार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहली बात, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोने नहीं चाहिए और खासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता है, उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई ना कोई समस्या सदैव बनी रहती है, इसीलिए बुधवार के दिन अपने बाल ना धोएं। दूसरी बात, दोस्तों आज का समय बदल रहा है जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, शुभ तिथि या मुहूर्त में बालों को काटने या धोने के चलन से जुड़ गए हैं। लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि पर बाल ना तो कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले ये सारे काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ नहीं माना जाता और खासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल भी ना धोएं, इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं, आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। चौथी बात, सुहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना ही बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। आपने शास्त्रों के अनुसार भी सुना होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं करना चाहिए, बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से या कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, आपके ग्रह भी अपनी दशाएं बदलने लगते हैं, ये सभी बृहस्पति गुरु के कारण होता है। पांचवी बात, अगर आप एक पुत्र की माता है या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल जरूर धोने चाहिए। छठी बात, शनिवार के दिन शनि महाराज का दिन माना जाता है, इस दिन ना सर में तेल लगाएं और ना ही अपने बालों को धोएं, इससे शनि की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप थोड़ी सी हल्दी व बेसन को मिलाकर पहले बालों पर लगा लें और उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। पर ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा आवश्यकता होने के कारण ही आप शनिवार के दिन बाल धोएं अथवा इस वार को आप बाल कदापि ना धोएं। सातवीं बात, स्त्री हो या पुरुष, गुरुवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोना भी शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का होता है और इसीलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य ही स्वच्छ करें, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में एक और मान्यता है, सुहागन स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है जिसे स्वयं देवता भी नहीं नकार सकते। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर लगाकर भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती है।
लेकिन दोस्तों बात जब सिंदूर की आती है तो सिंदूर से जुड़ी ये खास बात मालूम होना बहुत जरूरी है, वरना इसका गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दोस्तों अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वह आपसे बहुत प्रेम करता है। सुनने में फिल्मी लग रहा होगा लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि जब कभी पति द्वारा सिंदूर नाक पर गिरता है तो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है और आने वाले समय में भी उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला जाता है। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाती हैं और अनजाने में अगर वो सिंदूर नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब है पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत खास महत्व है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको नहीं है और आप भी ये गलती करती है तो आप बहुत भारी संकट में पड़ सकती हैं और आपके पति को इसका भुगतान करना पड़ेगा। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम कभी किसी शादीशुदा औरत को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आपको बता दें, कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी में या अनजाने में महिलाएं कई गलतियां कर बैठती हैं और ये उन पर और उनके पति के ऊपर गलत असर करता है। दोस्तों नंबर एक, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। दोस्तों नंबर दो, ये बात तो आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का आशीर्वाद ऐसे जोड़े को जरूर मिलता है। दोस्तों नंबर तीन, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों से छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सवरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों नंबर चार, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। अगर किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना गया है कि उसका पति से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसीलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। दोस्तों नंबर पाँच, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अपशगुन माना जाता है। यह आपके रिश्ते में दरार आने का संकेत है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए ताकि बुरी बलाएं टल जाए। दोस्तों नंबर छह, जिस व्यक्ति को सपने में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये धन लाभ कराता है। ऐसी स्त्री सपने में दिखना बहुत ही ज्यादा शुभ संकेतों को दर्शाती है। दोस्तों नंबर सात, जो स्त्री सिंदूर को लगाने से पहले माथे से चूम कर लगाती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसी स्त्री का पति लंबी उम्र का वरदान पाता है। माता पार्वती साक्षात देती है आशीर्वाद। दोस्तों नंबर आठ, हिंदू धर्म में नवरात्रे, करवा चौथ और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर अगर पति द्वारा पत्नी मांग में सिंदूर लगवाए तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उनके एक साथ रहने का प्रतीक है। इससे वो काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं। ऐसा करने से रिश्ते जल्दी टूटते नहीं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।